आप सुन रहे हैं अमर उजाला आवाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को देश भर में 44 जगहों पर होने वाले रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 70,000 से अधिक नियुक्ति पत्र बांटेंगे। पीएमओ के मुताबिक देश भर से चयनित नए उम्मीदवार राजस्व विभाग, वित्तीय सेवा विभाग, डाक विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, रक्षा मंत्रालय, मंत्रालय समेत विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सरकार में शामिल होंगे। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लाहौर के कोर कमांडर हाउस सहित सैन्य प्रतिष्ठानों पर 9 मई को हुए हमलों के लिए लोगों को उकसाने का दोषी पाया गया है। सरकारी वकील ने शुक्रवार को आतंकवाद विरोधी अदालत ATC में यह बयान दिया। हालांकि अदालत ने आतंकवाद से जुड़े 5 मामलों में इमरान खान की अग्रिम जमानत को 8 अगस्त तक बढ़ा दिया है। राजस्थान में अब सभी ग्रामीण और शहरी परिवारों को एक साल में 125 दिन सुनिश्चित रोजगार मिलेगा। राज्य विधानसभा ने राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक 2023 को पारित कर दिया है। इस विधेयक के कानून बनने के बाद राज्य में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत वृद्ध, विशेष योग्य जन, विधवा या एकल महिला लाभार्थियों को हर महीने न्यूनतम 1,000 रुपये पेंशन मिलेगी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक संघीय न्यायाधीश वर्गीकृत दस्तावेज मामले की देखरेख कर रहा है। संघीय न्यायाधीश ने शुक्रवार को सुनवाई के लिए तारीखों का ऐलान किया। न्यायाधीश ने मुकदमे के लिए 20 मई 2024 की तारीख मुकर्रर की है। डोनाल्ड ट्रंप पर आरोप है कि उन्होंने दर्जनों गोपनीय दस्तावेजों को अवैध तरीके से अपने पास रखा है। कर्नाटक के वरुणा विधानसभा सीट के रहने वाले KM शंकर ने CM सिद्धरमैया के खिलाफ अपील की है। युवक ने शुक्रवार को आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने मतदाताओं को लुभाने के लिए मुफ्त सुविधाओं का वादा किया था। मामले में हाईकोर्ट ने आपत्तियों को सुधारने का निर्देश देते हुए सुनवाई स्थगित कर दी। मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को की जाएगी। आसमान छूती कीमतों से राहत देने के लिए केंद्र सरकार उपभोक्ताओं को 70 रुपये प्रति किलो की रियायती दर पर ऑनलाइन टमाटर उपलब्ध कराने के लिए ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के साथ बातचीत कर रही है। सूत्रों ने बताया, सस्ता टमाटर उपलब्ध कराने के लिए सरकारी कृषि विपणन एजेंसियों, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ताओं महासंघ व भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ की ONDC से बातचीत चल रही है। तेल से केमिकल कारोबार में कमजोरी और ऊंची ब्याज दर के कारण रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का मुनाफा अप्रैल जून तिमाही में 11% घटकर 16,011 करोड़ या प्रति शेयर 23.66 रुपये रहा है। एक साल पहले यह 17,955 करोड़ रुपये था। कंपनी पर कुल 1.26 लाख करोड़ रुपये का कर्ज रहा है। चीन के मोबाइल फोन निर्माता कंपनियों ने सीमा शुल्क व GST के रूप में 9,000 करोड़ की कर चोरी की है। सरकार इसमें से 1,629 करोड़ की वसूली कर चुकी है। वर्ष 2017-18 से अब तक आंकड़ों के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक व सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने ये जानकारी दी। देश में सक्रिय करीब 95,000 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को जल्द ही सामान्य सेवा केंद्र से जोड़ा जाएगा। इससे पैक्स को पंचायत स्तर पर आर्थिक रूप से मजबूत संस्था बनाया जा सकेगा। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को विज्ञान भवन में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को आवंटित सामान्य सेवा केंद्र का उद्घाटन किया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड छात्रों को सभी भारतीय भाषाओं में पढ़ाई कराने का विकल्प उपलब्ध कराने जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बोर्ड की ओर से संबंध विद्यालयों को सर्कुलर जारी कर दिया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने CBSE के इस कदम की सराहना करते हुए बधाई दी है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।